चीन में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के चलते विश्व भर के लोग सचेत होने लगे हैं। इसके चलते भारत में भी केंद्र एवं राज्य सरकारों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच चीन के साथ जापान में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जापान में प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक दिवसीय कोरोना केस 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। जापान में बुधवार को 2,01,106 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। मंगलवार की तुलना में ये आंकड़ा 15,412 केस ज्यादा रहा। अकेले टोक्यो में 21,186 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो टोक्यो में गंभीर लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार से 7 बढ़कर 44 रही। वही राष्ट्रव्यापी आंकड़ा 530 पर पहुंच गया है और देश भर में रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस से संबंधित मौतों की संख्या 296 पर पहुंच गई है। वही चीन में कोरोना वायरस के कोहराम के बाद भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति को लेकर बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार की ओर से लोगों को भीड़ में मास्क पहनने और एहतियाती खुराक लेने की सलाह दी गई। वही राज्य सरकारें भी इसको लेकर अपनी अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोरोना को लेकर आपात बैठक करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वही केरल सरकार ने वायरस के संभावित प्रसार को लेकर चेतावनी दी है। न्यूज डेस्क, आरआर न्यूज़।